नमस्कार दोस्तों, मैं हमारा सुन और मेरे साथ जुआसी और आज हम लोग आए हैं शिव सागर से 15 किलोमीटर दूर गढ़गांव में। और ये राजमहल है जिसका 4 तल ऊपर था और 3 तल नीचे, जिसके कारण इसको तलातल घर बोला जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये चीज़ आपको दिखाएंगे कैसा है क्या है, तो इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और इसका निर्माण जो है राजा राजेश्वर सिन्हा ने सन 1752 ईस्वी में करवाया था। तो और इसका जो अंदर एक सुरंग भी है, जो आपको यहाँ से जो हम लोगों ने आपको करेंग घर दिखाया था, तलातल घर, तो वहाँ तक जाता है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो बैक कैमरा से सब दिखाते हैं। इसका जो है नीचे कुछ ये जो इनके राजा के दास लोग थे, सिपाही लोग थे, उन लोग का कमरा था, उसके ऊपर भी उन लोग का था, और फिर सबसे ऊपर जो था वहाँ राजा रानी रहा करते थे। तो हम लोग सब अभी अच्छे से आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए यहाँ का रास्ता है और ये किसी का कमरा होगा उस ज़माने में। और यहाँ पे छोटे छोटे रास्ते हुआ करते थे, जैसा कि करेंग घर में भी था। ये देखिए इतना छोटा रास्ता है और ये कमरा देखिए कुछ इस तरह का हुआ करता था, एकदम सिंपल टाइप का। ये शायद उनका जो है दास वगैरह का था, और सबसे ऊपर राजा रानी जो है वो लोग रहा करते थे, तो उन लोग में शायद नक्काशी वगैरह होगा। तो इस तरह का एक लाइन से बना हुआ है चारों तरफ रास्ता ही रास्ते। ये देखिए इधर से हम लोग चलते हैं छोटे कमरे से, यहाँ भी एक कमरा है, ये पूरा अंधेरा है, लेकिन आप लोग इसमें पूरा अंधेरा है और देखते हैं इसमें। ये देखिए पूरा अंधेरा है, ये देखिए। और वो भाभी खड़ी है, छुप गई। तो ये सब जो है दास वगैरह का कमरा हुआ करता था, तो ऐसा है। मजा है ना, ये सारा कमरा है आप देख सकते हैं। तुम्हारे उससे मेरा ही अच्छा जल रहा है, वो फ्लैश ऑफ कर दिए हैं। ऐसे चलते हैं और ऊपर पका जाएगा। हाँ, इस कैसे बना है वो बताया जाएगा। ये सब में म्यूजिक लगाना है, याद रखना है, कॉपीराइट। रास्ता किधर, इधर म्यूजिक लगाएगा वो यूट्यूब से ही डाउनलोड करेंगे फ्री म्यूजिक। इतना छोटा छोटा कमरा, ये क्या है,
यहाँ पे बहुत ऐसे छोटे छोटे कमरे हैं दोस्तों, ये गली टाइप के, पता नहीं इसमें कौन रहता था कौन नहीं। ये वो भाभी है, वो आसिफ जो आसिफ है, और ये पता नहीं, ये बहुत छोटे छोटे जरूर उन लोग के नुक्कड़ चाकर का कमरा होगा, छोटा छोटा है ना। गलियारा जो है कुछ इस तरह का हुआ करता था, ऊपर सिंपल। ये देख सकते हैं अब, और ये रास्ता जो ऊपर जाने का है, तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये सब देखिए उस वक्त का नक्काशी, अब जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी जो हम लोग दोस्तों थे वो दास दासी का कमरा हुआ करता था, उनके नौकर चाकर का, लेकिन अब जो हम लोग आए हैं यहाँ से, जो है जो भी जैसे पोस्ट वाइज था, जो लोग पोस्ट के थे वो नीचे रहते थे, अब जो जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाएंगे वैसे वैसे आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें नक्काशी वगैरह भी किया गया है। अब देखिए ये जैसे राजा रानी का या किसी का होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से ही आपको शुरू हो गया है नक्काशी करना। और ये देखिए चारों तरफ, अब ये कमरे को देख के आप जान सकते हैं कि ये पक्का किसी राजा रानी या कोई अच्छा मंत्री का होगा, क्योंकि ऊपर भी देखिए ऊपर की ओर जो है, जैसे नीचे सिंपल हुआ करता था तो यहाँ पर जो है नक्काशी किया हुआ चारों तरफ, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये झरोके छोटे छोटे आप देख सकते हैं, तो ये चारों तरफ है। और इसका जो नीचे, और एक जो चीज़ बताना चाहता है, जो नीचे तीन तल है तो उसका रास्ता भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि उसका रास्ता कहाँ था अभी हम लोग को नहीं मालूम। ये देखिए यहाँ से हम लोग आए हैं ये ऊपर आने का, जहाँ पे एक रास्ता भी हुआ करता था, जो शायद वहाँ पे दरबारी वगैरह रहते होंगे जो आने नहीं देते होंगे ऐसे किसी को, जो क्योंकि ये जो कमरा है ये राजा रानी का। यहाँ पे देखिए ये सब कितने अच्छे से ये सब बनाया गया है, जैसे रात में यहाँ दीपक वगैरह रख दिया तो प्रकाश के लिए, उस जमा तो लाइट उट हुआ नहीं करता था, तो शायद उसके लिए ही होगा। और ऊपर की ओर देखिए, ऊपर भी नक्काशी किया हुआ है छोटा छोटा, अगर आपको दिख रहा होगा तो यही था। और ऊपर चलते हैं, ऊपर की ओर आपको दिखाते हैं क्या है। अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ऊपर का रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता पता नहीं चल रहा है तो छोटा लेकिन रास्ता पता नहीं चल रहा है। सब देखिए छोटे छोटे लोग, और हमें रास्ता मिल गया यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, ये सीढ़ी, ये ऊपर जाने का जो आपसे बता रहे हैं आपको। तो हम लोग अभी तीसरे तल के ऊपर जा रहे हैं, जो कि ये देखिए सीढ़ी देखिए काफ़ी ऊंचा ऊंचा है, पता नहीं कैसे उस समय के लोग इतना छोटा छोटा है सीढ़ी एकदम एक इतना, पता नहीं कैसे वो लोग आते होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे ऊपर बैठे हैं और इधर जाने का रास्ता बंद है, इधर ऊपर जाने का। और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो बना है इसको बनाने में बत्तख का अंडा, चावल का गुड़ी और हिलिका एक होता है, हिलिका आपको खट्टा खट्टा होता है, आप लोग को पता होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिलिका को क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा, उसको क्या बोला जाता है मैं लिख के दे दूंगा। तो वो सब का इस्तेमाल करके बड़ा चावल देके बनाया गया था। तो इसमें जो है सीमेंट और ये सब का इस्तेमाल नहीं किया गया था उस जमाने में, ये सब अभी इसमें सीमेंट नहीं है। ये देखिए इसमें सीमेंट वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था, और सब ये देखिए ये गुड़ी है, और उस जमाने में ऐसा बना हुआ था, फिर भी आज तक ये मजबूत है। ये करीब कितने सालों से 1752 से ये बना हुआ है, खड़ा है, और राजा राजेश्वर सिन्हा जी ने बनाया था। और अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हैं इसके जस्ट पीछे यहाँ पे राजा का घर है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर कैसा था? दिखा सकते हैं उसको, दिखाते इसके ऊपर ये देखें सीढ़ी था, ये बंद कर दिया गया है, नहीं तो इसके ऊपर जाके इसका सबसे ऊपर दिखाते क्या था, यहाँ से शायद आपको दिख रहा होगा वो सबसे ऊपर, तो अभी नहीं जा सकते हैं सबसे ऊपर, खैर बंद किया हुआ, तो अभी चलिए दिखाते हैं भौजी। और ये जो रूम है दोस्तों, ये राजा या रानी का किसी का होगा, क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे रूम थे उसमें से सबसे अच्छा रूम यही है।
और इसके चारों तरफ का व्यू भी बहुत अच्छा है। ये सबसे ऊपर है एक प्लॉट था अकेले, जैसे कि आपने नीचे देखा था, जैसे कि आप लोगों ने नीचे देखा था लाइन से काफ़ी सारे रूम थे, तो वो तो दास दासियों के लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो है एक सिंगल रूम यही है। और इसके चारों तरफ का जो व्यू है काफ़ी सुंदर है, जैसे ये सब झरोके हैं यहाँ पे तीन चार, इधर बैठने के लिए जगह है, बाथरूम वगैरह सब यहीं पर हुआ करता था। तो इसका जो व्यू है काफ़ी सुंदर है, और ये 100% जो है किसी राजा या रानी का ये रूम था, सिंगल रूम है राजा रानी का आराम से, और काफ़ी सुंदर नक्काशी वगैरह किया हुआ है। अभी तो ये देखिए ऊपर कितना अच्छा है, अभी बहुत कुछ जो है टूट टूट भी गया है, काफ़ी बहुत साल पुराना हो चुका है तो टूट गया है, लेकिन फिर भी अभी अच्छा है, आप आके यहाँ विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग उस जगह पे हैं जहाँ से सुरंग जाया करता था, और यहाँ से सीधा तलातलगढ़ तक जो हम लोगों ने बनाया था वहाँ तक का सुरंग था, और ये वही जगह है। ये देखिए अभी गार्ड साहब ने हम लोग को बताया कि यही जगह है, और इधर ही कहीं सुरंग था जो कि अभी के ज़माने में बंद कर दिया गया है, जो सिर्फ अभी ढूंढने में लगे हुए हैं सुरंग, तो अभी बंद कर दिया गया है इसे पूरी अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यहाँ पे जाते थे तो वो खो जाते थे, इसलिए अभी जो है इसको बंद कर रखा गया है, और जब भी खुलता है तो ज़रूर आप लोग किसी को दिखाया जाएगा। तो सुरंग में ही था, और यहाँ से 3 तल नीचे भी था, और बाकी रास्ता था सीधा 15 किलोमीटर दूर तक शिव सागर तक का। तो अभी तो ये बंद है फिलहाल, बताओगे तो यही जगह था। ये देखिए चारों तरफ का व्यू, ये एक रूम के जैसा था छोटा सा, और इसमें सुरंग हुआ करता था यहाँ से, जो कि अभी बंद कर दिया गया है, और यहाँ से राजा लोग जो है जाते थे अंदर अंदर। चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यही था, और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो यही था करीमगढ़, और इसका सुरंग जो था वो तो बंद हो चुका है, हम लोगों ने आपको दिखाया, कोई बात नहीं बंद हो चुका है तो अच्छा के लिए ही बंद हुआ है, कितना भी मर चुका है उस सुरंग में जाकर जानते हैं, हाँ इसलिए वो उसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, फिर इसी तरह से एक अच्छे जगह पे मिलेंगे, तो उसके लिए धन्यवाद। जय जय भारत।